जय हिंद मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती मनाई जाती है और इस दिन को पूरे भारत राष्ट्र में बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, तो हमारा रहना हुआ 14 नवंबर बाल दिवस को A1 पब्लिक स्कूल करहा मऊ के प्रांगण में, जहां के बच्चों ने इनोवेशन विधि से एक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई हुई थी और इसमें उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट तरीके से, प्राकृतिक तरीकों से अपनी क्रियाशीलता और सृजनशीलता को दिखाया और एक बढ़िया विज्ञान प्रदर्शनी को लोगों के बीच प्रस्तुत किया। संभ्रांत नागरिकों ने इसका अवलोकन किया, उनसे बातें की, उसके बारे में जाना और उनकी क्रियाशीलता तथा सृजनशीलता को सराहा तथा ऐसा अप्रिसिएट किया कि वह आगे चलकर भी देश के विकास में अपना इस तरह का योगदान दे सके। तो चलिए दिखाते हैं कि बच्चों ने अपने इनोवेशन के बारे में क्या बताया। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत अंजलि। बच्चों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए चंद्रशेखर मौर्य जी और उनसे वार्तालाप भी करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। किस कक्षा के विद्यार्थी हैं? 10th के। अच्छा, आपका नाम? संकेत। आपका? आपका? अच्छा, आपका? आपका किस प्रकार का प्रोजेक्ट है? वर्षा जल संग्रहण और सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कैसे वर्षा जल संग्रहण होता है, इसके बारे में क्या टेक्नोलॉजी, कैसे संग्रहण करेंगे? वर्षा जल संग्रहण को जैसे हम अपने छतों पर पाइप के माध्यम से हम पानी बाहर नहीं निकालते हैं, उससे अच्छा हम एक गड्ढा खोद कर या उसको छोड़ कर हम यहाँ पानी उसको कर सकते हैं। अगर बरसात के खत्म हो जा रही है, गर्मी के दिनों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं और जहाँ पर ये पानी की संकट है वहाँ पर हमें ज़्यादा ही। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपका प्रोजेक्ट लगा। ये किस कक्षा के द्वारा बनाया गया? 10 का है। इसको किन लोगों ने बनाया? सब आप ही ने बनाया या किसी के सहित बनाया गया प्रोजेक्ट? सर, ये उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र है, दर्शाया गया है। अच्छा, ठीक है, बॉडी का उत्सर्जन। यस सर, ठीक है। इसमें बॉडी में किडनी बनाई गई है। यस सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये आप किस कक्षा के हैं? आपका नाम? हेमलता जी, ये आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया? एक कदम स्वच्छता की और यह महात्मा गांधी का क्षेत्र है क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता के बहुत ही प्रेमी थे। धन्यवाद, बहुत अच्छा। आप ये किस कक्षा के छात्र हैं? सेवेंथ। ठीक है, ये आपने क्या बनाया? प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं। पत्तियों में पर्णी नाम कड़क पै जाता है जिसके कारण पत्तियाँ हरी होती है। मिट्टी से जल अवशोषित करके पर्णी द्वारा पत्तियों में पहुँचता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसने पत्तियों में पर्णी चित्र पाया जाता है जिसके कारण पत्तियाँ और सूर्य का प्रकाश जमीन पर पड़ता है तो उनमें उपस्थित पर्णी में सारी प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या पौधे रात में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? सर, रात में पौधे उल्टा कार्य करते हैं। रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। कोई ऐसे पौधे के नाम बता सकते हैं जो रात में भी ऑक्सीजन देता है? आपको पूरा विश्वास है? ये किस कक्षा के द्वारा बनाया गया? सेवन। कौन कौन लोगों ने बनाया इसको? यूपी बोर्ड है। किन किन लोगों ने बनाया मिलकर? कल दो लोगों का है कार्यक्रम। ये क्या है? नेशनल सिंबल्स है। आपका केवल राष्ट्रीय चिन्ह बता दीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये दोनों सब एक ही लोगों के द्वारा तैयार किए गए? अलग अलग है ये केवल? इस क्वालिटी तो सब एक से बढ़ के एक है, इसका तो मैं कोई डिस्कशन डिविजन नहीं कर सकता। मेरे तरफ से सब के सब अच्छे। अब ये बताए कि ये कौन बनाया? तीन लोग। अच्छा, इसको कौन बनाया? नाम उनका क्या है? अच्छा, इसको किसने बनाया? क्या नाम है आपका? नैन्सी जायसवाल। जायसवाल जी, आपका भी बढ़िया। आपका? खुशी यादव। बहुत अच्छा है। नाव का काम क्या होता है? क्या आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा परिवहन जल मार्ग द्वारा ही होता है?
इसलिए उसमें नौका एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। इसको कितने लोगों ने मिल के बनाया? चार लोग। नाम बताएं अपना, आपका 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 किस कक्षा के छात्र हैं आप लोग? सेवेंथ की। यह क्या चीज़ है? नाव ही है। मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ ना। अच्छा, बताना चाहती हूँ। ये ट्रांसपोर्ट में इम्पोर्टेंट आता है इसका। मान लीजिए अगर हम कहीं जा रहे हैं ना इम्पोर्टेंट काम के लिए, अगर हमें रास्ते में, आप ये बता सकती हैं कि शहर क्यों नदियों के किनारे ही बसे ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि सर अगर हमें घर, क्योंकि आप बताना चाहते थे इसलिए मैं पूछ रही हूँ। घर बना, पानी की भी जरूरत पड़ती है ना, तो इससे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा वापस। एक जानकारी मैं भी दे सकता हूँ। नाव थे ना, पहले परिवहन के ना, परिवहन के ज्यादा किनारे बने रहते शहर, तो ट्रांसपोर्ट में आता नहीं। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ। एक किंवदंती कही जाती है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या पहले भारत नहीं था? जब तक वास्को डी गामा भारत नहीं आया उसके पहले भारत नहीं था? सर था। तब फिर किस चीज की खोज किया उसने? सर वास्को डी गामा जो है मतलब कि सभी विदेशी लोग आए, लेकिन सबने मतलब कि रास्ते से ही भारत की खोज नहीं कर पाई, वो चले गए। लेकिन सर वास्को डी गामा सर आए और वो सर मतलब कि उस मार्ग पर जा रहे थे, तभी उनको एक व्यक्ति मिले और वो बताएं कि इधर से जाओगे तो आपको यह रास्ता मिलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उन्होंने भारत की खोज की। बहुत अच्छा, उन्होंने भारत की खोज नहीं की, केवल उन्होंने समुद्री मार्ग का खोज किया। लेकिन हम लोगों में किंवदंतियां प्रचलित हैं कि उन्होंने भारत की खोज की। पक्का है? अच्छा, ये क्या बनाई है आप? अच्छा, इसका काम क्या है? ये काम कैसे करता है सर? ये जब खोलते हैं तो ये हवा पास करता है अंदर, तो ये पानी गिरने लगता है, जब बंद करता है तो हवा नहीं जाता है। अच्छा, इससे किस किस सिद्धांत की पुष्टि होती है? हवा पास किया तो गया, नहीं बंद आपने कर दिया तो बंद हो गया। फिर इसका क्या मतलब है इस प्रोजेक्ट का? ये दाब का सिद्धांत कहलाता है, प्रेशर है ना। यह दाब का सिद्धांत है कि वायु जो है, वायु में दाब भी होता है, हवा दाब डालती है। जैसे ही आप खोल देते हैं तो उसमें हवा भर जाता है, तो हवा दाब डालती है इसलिए पानी बहने लगता है, और फिर जब बंद कर देती हैं तो उसका दाब बाहर और भीतर दोनों का बराबर हो जाता है, और फिर ठीक है दाब का सिद्धांत। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छी कुछ आज जानकारियाँ साझा कर ली जाए। और ये किस चीज़ को? ये क्या, कौन सा प्रोजेक्ट है? सीड जर्मिनेशन। तो इसमें कैसे सीड को मानेंगे कि वो ज़्यादा उसका जर्मिनेशन अच्छा है, और किस सीड का जर्मिनेशन अच्छा मानेंगे और किसका नहीं, कैसे परीक्षण करेंगे? अच्छा, आप क्या आप मूलांकुर और प्रांकुर की बात करना चाहती हैं? मूलांकुर प्रांकुर इसमें दिखाना चाहती हैं या कुछ ये सब? ठीक है, थोड़ी सूचना को और मदद चाहिए, और प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ उसका अध्ययन भी। आपने क्या आपका पहले नाम बताइए अपना? अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा अच्छा, सरिता। क्या आप मुझको पहचानती हैं? मेरा नाम सुनी है कभी? मेरा नाम है चंद्रशेखर मौर्य। ये नाम कभी सुनी है आप? चंद्रशेखर सर का नाम कभी सुनी है? चंद्रशेखर स्कूल का नाम सुनी है? कहाँ पढ़ता है? तुमको कभी देखी नहीं थी ना? अच्छा लगा देखकर। और ये आपका जो किडनी है किस प्रकार काम करती है? जब हम इसमें यूरिन डालते हैं तो ये मूत्र मार्ग द्वारा मूत्राशय में जाते हैं। यस सर, जैसे ये एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। ज्योति सिंह, यह प्रोजेक्ट
अच्छा जादू वहाँ जादू दिखाएंगे जादू नहीं स्विच लगाया तभी जलेगा जब इन दोनों को ऑन करेंगे। अच्छा अगर एक को ऑन करेंगे तब ये नहीं जलेगा, दोनों को ऑन करेंगे तभी। वेरी गुड। वैसे ये है जब इसमें किसी एक को जला देंगे तब भी ये जलेगा। वेरी गुड। और ये ठीक उल्टा होता है सर, जब इसको चालू करते हैं जब इसको चालू, ये इस टाइम चालू है लेकिन लाइट नहीं जल रहा है, और जब इसको बंद कर देंगे तो ये जल रही है। ऐसा क्यों होता है अभी पता है आपको सर? क्योंकि जो धारा होती है वो धारा हमेशा छोटे परिपथों मतलब छोटे मार्ग को चुनती है, तो इसीलिए जैसे इसको ऑन करने पे यहाँ धारा का थोड़ा सा स्रोत बचा हुआ है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी। और यहाँ ऑन करने अलॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन, वेरी वेरी, बहुत अच्छी। ये आपका नाम? मैंने मिस सलोनी वर्मा। सलोनी वर्मा, आप क्या बनाई हैं? इट इज सर यूट्रस, यूट्रस एंड डेवलपमेंट ऑफ जाएगा। यस सर। एंड इट इज जब ड्यूरिंग इंटरकॉर्स जब स्पर्म योनि से होते हुए। ठीक है ठीक है, वेरी 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 गुड, वेरी वेरी, बहुत बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा लगा। बहुत इसमें मैं क्वेश्चन नहीं रहा। ठीक है, आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका तो हो गया, फिर भी आपका नाम? साबरी। आपका? दोनों लोगों ने मिल के बनाया। यह क्या है? तीन औरत के बारे में। तीन औरत के बारे में, जहाँ पर श्वेत विलास पड़ता है वहाँ पर दिन होता है, और जहाँ पर नहीं पड़ता वहाँ पर। क्या इतनी तेजी से रात और दिन होते हैं? अच्छा, कम बेसी किया जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम? ये क्या है? अब ये चरखा कहीं देखे हैं आप लोग वास्तव में भी? यस सर। हाँ, कैलिसी में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपका नाम? इसको कौन बनाया? क्या नाम है आपका? किस कक्षा में है? बहुत अच्छा। क्या बनाए हैं? बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने क्या बनाया? ये आपने बनाया? क्या नाम है आपका? ज्योति गुप्ता। ज्योति गुप्ता, अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बनाई है? पेन होल्डर। पेन होल्डर है भाई, तो बहुत ही बढ़िया है। तो विचार है कि हम लोग चले जाए तुम्हारे पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने क्या बनाया? गांधी जी। अच्छा, गांधी जी के बारे में कोई एक बात बता सकती है? गांधी जी ने दो नारे दिए थे, करो या मरो, दूसरा भारत छोड़ो। बस, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने क्या बनाया? गांधी जयंती कार्ड। गांधी जयंती कार्ड, इसमें आप क्या दिखाना चाहती हैं? तीन बंदर। तीन बंदर, किसके बंदर हैं? गांधी जी। गांधी जी के। क्या पहले बंदर क्या संदेश देता है? बुरा न देखो। दूसरा? बुरा न सुनो। तीसरा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने क्या बनाया? गांधी जी। गांधी जी, अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? बहुत बढ़िया। आपने क्या बनाया? कार्ड बनाया। किसका कार्ड है? चिल्ड्रन डे। क्यों, चिल्ड्रन डे किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर। 14 नवंबर को मनाया जाता है, कोई 14 नवंबर हो चाहे 22 क्यों ना हो, उसमें भी चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये आपने क्या बनाया? नाम बताते रहो बेटा, नाम बताइए। आपका क्या बनाया? मैप। किसका? बहुत अच्छा चीज़ लिखा है, लंबा इंडिया, और मैं भारत से प्रेम है और हम प्रेम करते ही रहे। वेरी गुड। आपका नाम? माय नेम इज़ राधेश। किस कक्षा में पढ़ते हैं? क्लास 7 CBSE। में क्या बनाया आपने? मैप। किसका मैप बनाया? भारत। भारत का। ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने? दोनों लोग? अच्छा, क्या क्या नाम आप लोगों का है? हमारा नाम है शिवम यादव और इनका नाम है राजदीप सिंह। अच्छा अच्छा, क्या बनाया? सर किडनी बनाए हैं, कैसे काम करती है, और
सर। क्या इतना तेजी से काम कर रहे हैं? नहीं सर, स्लो काम कर रही है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने क्या बनाया? नाव बनाया। किस लिए बनाया नाव? चल बस बना दिया। कोई उद्देश्य इसका? कंपटीशन में भाग लेना? यस। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। कौन कौन? और आपका नाम? बहुत अच्छा। आपने क्या बनाया? सर, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, तो बहुत बढ़िया बनाया आपने। तो कैसे काम करता है यह? ये सर जो फैक्ट्री में कचरा होता है सर, इस पाइप के थ्रू सर इस रिवर में सर छोड़ा जाता है, और सब जो जो अंदर का सर धुआं होता है सर, उसे सर इस चिमनी के थ्रू। तो इसको फिल्टर कैसे करेंगे सर? फिल्टर अगर हम लोग एक जगह अगर वेस्ट वाटर को रखें तो वो आसानी से फिल्टर हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। आपने क्या बनाया है? वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये पोल्यूशन करता है कि पोल्यूशन दूर करता है? करता है। ये आपने इसमें पेड़ भी लगाया है, ये भी पोल्यूशन करता है? ये नहीं करता है, ये क्या करता है? बहुत अच्छा। आपने क्या बनाया? आप ही बनाए? क्या नाम है आपका? उत्कर्ष चौहान। उत्कर्ष चौहान जी, चौहान जी ये बताएं कि ये कैसे फिल्टर करेगा सर? मतलब इसमें अगर गंदा पानी डालेंगे तो सर जो मतलब इसमें डाला हुआ है सर उसके थ्रू सर पानी साफ कर देगा। पानी साफ हो जाएगा। क्या विधियाँ सर? मतलब कि सर जो जो है क्या स्टेप लगाएं इसमें? सर चार मेरी। आपने क्या बनाया? वेरी गुड। क्या नाम आपका? अरे वेरी। और आपका? अंश यादव। ठीक है, काम कैसे करता है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ये क्या बनाए हुए हैं? टेबल फैन। आप बना दिए? आप इंजीनियर हैं? बनना है भविष्य में? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। उससे ऊपर कुछ नहीं बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। आपने क्या बनाया? सर इंडियन मैप। इंडियन मैप। आपका नाम? प्रदीप प्रजापति। बहुत अच्छा। आपने क्या बनाया? घर। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, बिना घर के कोई नहीं रह सकता। लेकिन विचार करें, जिनके घर नहीं होते वो बच्चे क्या करते हैं? खाना उस बात का, लेकिन बहुत से बच्चों के पास आज भी घर नहीं है ना। तो हम प्रयास करें सब मिलजुल करके कि उनके पास भी घर हो जाए, उनके लिए कामना करें। और आपने क्या बनाया? घर है। बहुत अच्छा घर है आपका, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हाउस है? अच्छा। आपका नाम? आपका बहुत बढ़िया घर है। आपने आपका घर बहुत सुसज्जित है, इन लोगों का घर बहुत अच्छा है। आपने क्या बनाया? इंडिया का मैप बनाया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। और घर से आपने क्या बनाया? ये आपने बनाया? ये क्या है? घर है। इधर सब घर ही घर हैं, लेकिन सबके घर बहुत अच्छे हैं। आपने क्या बनाया घर? आपका नाम? किस कक्षा में पढ़ते हैं? राहुल। कई लोग मिलके बनाए? और वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आपने क्या बनाया? फोटोसिंथेसिस। कैसे होता है, इसकी विधि समझा सकते हैं? कैसे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2 तथा जल जड़ों से अशोषित जल क्लोरोफिल का निर्माण उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और जो वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या फोटोसिंथेसिस चंद्रमा के प्रकाश में नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है, बहुत क्लोरोफिल में जब तक इंटेंसिटी या लाइट नहीं रहेगी तो फोटॉन नहीं जाएंगे उसमें। बहुत अच्छी बात है। आप क्या बनाए हैं?
अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? नहीं, फिर क्या बनना चाहते हैं? आर्मी फौजी। फौजी बनना चाहते हैं? अच्छा, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपने क्या बनाया? स्टार्ट करो उसे। स्टार्ट कर सकते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये टेक्निक आपने खुद की है या किसी से सीखा? खुद की है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बहुत सो अलाट ऑफ कंग्रेचुलेशन टू यू। आपने क्या बनाया? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हेलो, आपने क्या बनाया? क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? आर्मी में जाना चाहते हैं, वेरी गुड। और आपने क्या बनाया? गांधी जी को प्यार से और क्या कहते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये इनका सबसे बढ़िया चीज़ क्या, कुछ चीज़ बता सकते हैं? बढ़िया औजार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप क्या बनाए? पेट्रोल पंप बनाए हैं। क्या पेट्रोल पंप लेंगे क्या भविष्य में? नहीं, फिर क्या करेंगे? क्या मन में है आपके बनने के लिए? डॉक्टर। वेरी वेरी गुड, आपके हौसले को सलाम। आपने क्या बनाया? और किस कक्षा में पढ़ते हैं हम? सेवेंथ में। वेरी गुड, इसमें, वेरी गुड, इसमें किसी एक ग्रह का नाम बता दीजिए। मरकरी। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं? ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम आपका? नित्या जायसवाल। नित्या जायसवाल। नित्या जायसवाल, क्या बनाया आपने? हमने उत्सर्जन तंत्र बनाया। उत्सर्जन तंत्र, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? सबसे महत्वपूर्ण अंग कुंडली होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने क्या बनाया? अच्छा, इसमें आपका नाम क्या है? कितने लोगों ने मिल के बनाया? बहुत अच्छा। ये आपका वैक्यूम सिस्टम कैसे काम करता है? वेरी गुड, बहुत, वेरी गुड, बहुत पोटेशियम नाइट्रेट HNO3 एंड देन HNO3 देन गैसेस फॉर्म एंड देन वाटर पे उसके ऊपर चार किया जाता है। बनाने की प्रयोगशाला भी थी, तो टाइटल नेम प्लीज डिस्प्ले इन इंग्लिश। टाइटल नेम, इसका टाइटल बनाओ ना इंग्लिश। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हमने एक सिटी मॉडल बनाया है, मॉडर्न सिटी मॉडल है, जिसमें हॉस्पिटल है और यहाँ बिल्डिंग है और हाउस को दर्शाया गया, और ये रोड्स हैं और कार वगैरह हैं और स्ट्रीट लाइट्स हैं। इनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। उसकी पूर्ति के लिए हमने एक विंड टर्बाइन यूज किया बनाया है, जिसको यहाँ पे मतलब ये डीसी करंट देता है। डीसी करंट से हमने ट्रांसफार्मर के जरिए अल्टरनेटिंग करंट में चेंज किया है। अल्टरनेटिंग करंट के जरिए सभी हॉस्पिटल्स में हमें सप्लाई दी जाती है। पावर नहीं मिलेगी, पावर नहीं रहेगा तो इसे जो करंट संचित है इसमें, इससे मतलब ये स्ट्रीट लाइट और ये बिल्डिंग की लाइट और ये सब स्ट्रीट लाइट सब बरेंगी चलेंगी, और पावर देती है फिर भी ये सब उसी तरह चलती रहेंगी। वेरी गुड, जिससे पावर की बहुत बचत होगी और इसके अन्य उपयोग में ला सकता है। आपका नाम? आशुतोष चौहान। वेरी गुड, बहुत